द नंबर ऑफ पैगरा मैग्नेटिक स्पीसीज फ्रॉम द फॉलोइंगज पैरा मैग्नेटिक बताना है यानी कि इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स प्रजेंट है ठीक है वन बाई वन देखते हैं जल्दी जल्दी सी एन एन आई सी एन फोर जो ये वाला कंस देखते हैं तो इसमें सी एन स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है एन आई माइनस फोर हो जाएगा फोर इंटू माइनस वन सी एन की माइनस वन होती है क्यों? डायरेक्ट ही I mean, लिख रहा हूं मैं न, क्योंकि इसमें तो आपको पता होना चाहिए कैसे लिखना है इलेक्ट्रॉनिकेशन नहीं तो ट्रिक आप जरूर देखें ओके okay, तो अब इसमें नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन देखने है ना आपको यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड डिगेड है तो हैपन हो जाएगी तो थ्री डी एट भर देते हैं फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट एन आई टू प्लस का ओके सो पेयरिंग हो रही है तो पैरा मैग्नेटिक ये नहीं है ये तो गाइस समझ में आ गया होगा ना आपको एन आई टू प्लस हो गया अगर आगे आपको सी एन जोड़ना है तो ऐसे जोड़ सकते हो वन टू थ्री एंड फोर है ना डी एस पी टू हो जाएगा इसका तो ये दिस इज अ डायमैग्नेट ये नहीं है आंसर अब आगे का देखते हैं एन आई सी ओ फोर तो एन आई सी इसमें जीरो हो गई ऑक्सीडेशन स्टेट ठीक है तो एन आई का जो हो गया इसमें थ्री डी एट फोर एस टू करेक्ट लेकिन क्योंकि सी ओ इज अ आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो पेयरिंग हो जाएगी वन टू थ्री फोर तो आठ के जो सारे इलेक्ट्रॉन्स है इसमें पुश कर देते हैं बहुत आपको पता ही होगा ये तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट नाइन एंड टेन करेक्ट सो सब के सब इसमें पेयर होगी बेसिकली इसमें थ्री डी टेन हो जाता है इसका है ना स्ट्रोंग फील्ड लीगेंड की प्रेजेंस में तो ये भी इसमें पेयरिंग हो रही है इट इज ऑल्सो अ डायमैग्नेटिक अब अगला देखते हैं एन आई सी एल फोर टू नेगेटिव CL इसमें weak field ligand है तो NI -4 minus 2, NI इसमें हो गया प्लस टू ऑक्सीड स्टेट में that is 3D8. Okay, again because ये weak field ligand है तो पेयरिंग इस केस में नहीं होगी तो अब आठ इलेक्ट्रॉन बढ़ने आपको तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एंड एट ये बच रहा है इसमें यूटिलाइज नहीं होंगे वैसे भी जो बाकी के हैं यहाँ पे आगे यूटिलाइज हो जाएंगे लेकिन मुझे वो सिर्फ नंबर ऑफ पेयर्ड और अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन देखने टू अनपेयर्ड है तो इसका मतलब एक तो ये हो गया एफ ई सी एन सिक्स ये हो गया एफ ई माइनस सिक्स माइनस फोर एफ ई हो गया आपका इसमें प्लस टू ऑक्सीन स्टेट में दैट मीन थ्री डी सिक्स ओके ये इलेक्ट्रॉनिक कंफिग्रेशन हो गया और थ्री डी सिक्स में हो जाएगा तो देखिए अगेन सी एन स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड है तो इलेक्ट्रॉन्स बने वन टू थ्री फोर फाइव एंड सिक्स सारे पेयड इलेक्ट्रॉन्स हो गए इट इज अगेन अ डायमैग्नेट तो ये नहीं है ये वाला देखते हैं सी यू एन एस थ्री फोर सी यू इसमें बेस्ड ऑन की ये वीक फील्ड लिगेंड कैसे होगा क्योंकि इसमें अगर सी यू प्लस टू में हो गया तो वीक और प्लस थ्री में हो गया तो स्ट्रोंग तो इसमें प्लस टू में है सी यू तो ये वीक फील्ड लिगेंड की तरह बिहेव कर रहा है सी यू प्लस टू ऑक्सीजन स्टेट में है इसमें इसका मतलब ये हो गया थ्री डी नाइन ओके okay, तो नाइन इलेक्ट्रॉन्स बनने हैं वीक फील लीगेंड है तो ये हो गया थ्री इलेक्ट्रॉन्स बने इसमें तो वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट एंड नाइन एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसमें इसका मतलब ये भी सही है अब अगला जो है एफ ई सी एन सिक्स माइनस थ्री तो इसमें देखिए एफ ई माइनस सिक्स माइनस थ्री एफ ई हो गया इसमें प्लस थ्री स्टेट में इसका मतलब थ्री डी फाइव ये थ्री डी सिक्स था थ्री डी फाइव हो गया एक इलेक्ट्रॉन और दे देगा अब एक दो अब इसमें देखिए सी एन स्ट्रॉग फील्ड लीगेंड है यानी पेयरिंग विलैपन वन टू थ्री फोर वन फाइव अगेन एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है इसका मतलब दिस इज ऑल्सो पैरा मैग्नेटिक तो ये भी हो गया अब लास्ट देखते हैं एफ ई एच टू ओ सिक्स तो इसमें अगर आप गौर से देखोगे एच टू ओ एक आ, कौन सा लीगेंड होता है वीक फील्ड लीगेंड होता है और 2 प्लस ऑक्सीडेशन स्टेट है तो उस केस में तो ये बिहेव ही करता है वीक फील्ड लिगेंड की तरह तो Fe हो गया आपका प्लस +2 Fe +2 यानी 3d6 तो वीक फील्ड लिगेंड है तो पेयरिंग विल नॉट हैपन तो कितना हो जाएगा इसमें 1 2 3 4 5 एंड 6 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो गए तो इसका मतलब दिस इज आल्सो पैरामैग्नेटिक तो 1 2 3 4 टोटल नंबर कितने हो गए 4 एंड दिस इज योर करेक्ट आंसर